गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा हूँ। तो गाइस आज है संडे और पापा और हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए एक बेहतरीन से प्लेस में। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, आप लोगों को काफी अच्छा लगने वाला ब्लॉग। और बहुत दिन बाद पल्सर को भी मैं ड्राइव करूंगा आज, और मोटो ब्लॉगिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी आप दुकान से सारा सामान लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो पापा आप दुकान को, तो आज हम लोग निकल रहे हैं लाफा खैरा बहार रोड में एक बेहतरीन से प्लेस में, और काफ़ी बेहतरीन जगह है वो, एक छोटी सी नदी है। तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, और हम लोग निकल पड़े हैं वहाँ के लिए। और वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत बाइक में पापा और मैं बाइक राइडिंग किए, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट किए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पापा थोड़ा स्पीड में बाइक भी चला रहे थे। तो अब जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आप लोग को आगे का व्यू दिखाते हैं। तो म्यूजिक से आप लोग इंजॉय करें। तो गाइस जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ पर खेती चल रही है, यहाँ पर लगाया जा रहा थरा, जो कि हमारे गांव के लोग थरा लगाते हैं। और ये देखिए गाइस, हम पहुँच गए खैरा बहार, और यहाँ का व्यू देखो गाइस, हरा भरा चारों तरफ ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है यहाँ का व्यू। और आपको मैं एक जगह और दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखिए वो दिख रहा बामर झुंझ का झरना, और काफ़ी ज़बरदस्त झरना यहाँ से इतने दूर से अगर इतना बड़ा दिख रहा है, तो सोचिए उसके पास में कितना ज़बरदस्त लगेगा। तो हम कुछ आगे जाने के बाद उस नदी में पहुँच चुके हैं जो भावर झूल से बहता हुआ यहाँ बह रहा है। तो आप देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। कितने चिक्कल इक्कल से हम लोग की बाइक हम लोग लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी जल्दी अब सामान पापा उतारते हैं, और हम लोग अब पिकनिक का तैयारी करेंगे। और ज़बरदस्त पिकनिक होने वाला है आज, हम लोग ज़बरदस्त पिकनिक करने वाला, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब देखिए पापा धीरे धीरे उस ढाल से उतर रहे हैं, और उतरने के बाद नीचे आपको मैं नदी दिखाता हूँ, म्यूजिक की सहायता से आप इंजॉय करें। तो गाइस हमने जगह डिसाइड कर लिया, ये बेहतरीन सा प्लेस, पीछे में नदी है। तो मैं ले आया था चिकन, और चिकन का बनाने वाला बेहतरीन सा रेसिपी, आप बने रहना। शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन एक डिश दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी रहेगा। तो जल्दी जल्दी मैं चावल चढ़ा दिया हूँ स्टोव में, आपको पता मैं हरदम स्टोव लेकर चलता हूँ। और पापा जी को लग गया था भूख, तो पापा जी को मैंने दे दिया ब्रेड खाने के लिए। और जल्दी जल्दी अब चिकन, तो हमारा चावल तो रेडी हो चुका, अब चिकन रेडी करते हैं जल्दी जल्दी। और चिकन रेडी करने के लिए बाहर की सामग्री मैं कटिंग कर लिया, और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और पापा को इधर मैं भात को पछाने के लिए दे दिया हूँ। पापा काफ़ी एंजॉय करते हैं हमारे साथ में। तो जल्दी जल्दी अब मैं चिकन की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो कढ़ाई हो चुका है गर्म, और इसमें मैं डाल दिया ऑयल, और ऑयल डालते साथ ही इसमें डाल रहा हूँ मैं जीरा। और जीरा डालने के बाद बाकी सारी कटा हुआ प्याज टमाटर और मिर्च उर्च डालकर इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए गांव के लोग अपना खेती किसानी उधर से निपटाकर वापस आ रहे हैं, देखो कैसे नदी से आ रहे हैं भरा हुआ पानी में चलते फिरते। तो अब पापा को भी थोड़ा सा मैं कुकिंग करने के लिए देती हूँ, क्योंकि पापा भी बहुत अच्छा कुकिंग जानते हैं। तो जल्दी जल्दी अब ये चिकन का रेसिपी हम लोग रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। तो आप म्यूजिक की सहायता से आप देखिए।
तो फाइनली हमारा चिकन हो चुका था रेडी। और चिकन बनाते बनाते पापा को थोड़ा सा आराम करना था, इसीलिए पापा सो गए थे पत्थर के ऊपर। अब देखो कितना फनी रूप में सोए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी इंजॉय कर रहे तो आए हैं हम लोग। तो अब जल्दी जल्दी चिकन को निकाल लेते हैं और उसके खाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। तो आप देखो काफ़ी ज़बरदस्त बना, आप कलर देख कर ही समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना होगा ये। तो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। अब हम लोग भी खाते हैं, लेते हैं प्लेट में और बैठ चुके हैं पापा और मैं खाने के लिए। और जल्दी जल्दी अब प्लेट में लेते हैं चावल के साथ में चिकन करी। तो काफ़ी लाजवाब बना हुआ है, दिखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है। अब खा कर भी पापा ही आपको स्वाद बताएंगे कि कैसा लग रहा है। जब फर्स्ट टाइम पापा ही खाते हैं तो ये देखिए लेग पीस में, बड़ा बड़ा लेग पीस में कटवा कर लाया था ताकि अच्छा लगता है ऐसा बड़ा बड़ा लेग पीस खाने में। तो पापा को जल्दी जल्दी मैंने सर्व कर लिया, सर्व करके दे दिया है और अब पापा खाकर आपको स्वाद बताएंगे कि कैसा लग रहा है खाने में। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये चिकन, आपको क्या बताऊँ मैं। पापा को मज़ा आया खाने पे। और अब आप टाइम लैप्स वीडियो देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी खाना वाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, इस व्यू का मज़ा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी अब खाने के बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस हमारा खाना वाना पिकनिक सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब शाम होने वाली है और पानी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो मैं अपने बाइक में सारा सामान लोड करके अब निकल रहा हूँ घर के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।